इधर रावतपिंडी में बाबरा बाजार में आया हूँ। ये अपनी बाइक की इसकी टैंकी की रैपिंग करानी है, तो सबसे पहले इन्होंने इधर पहले सीट कवर खोला है, सीट को उतार के तो ये बाकी इसके साइड टाइप खोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। मोहम्मद अवैस सर, ये आप जो लोकेशन है, ये जब मैं मरी रोड से कमेटी चौक से आगे आया हूँ तो ये ग्राटो श्री कसरे श्री स्वीट्स है जी, जी। साथ ही गली के अंदर आएंगे, मूला बेकरी वाली गली है। अच्छा, इस गली का क्या नाम है? इसका बाबरा बाजार। बाबरा बाजार, बाबरा बाजार में इंटर होके राइट साइड पे पहली गली में हमारी शॉप है। अच्छा ठीक है। प्लाट कॉर्नर पे खाली पड़ा है, उसके पिछली दुकान है राणा ऑटो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप ये जो रैपिंग करते हैं कितनी किस्म की करते हैं, क्या क्या है इसमें? हमारे पास लेदर की क्वालिटी तो सेम है, मतलब कोई लो और अप का फर्क नहीं है, क्वालिटी एक है, ठीक है। लेकिन लेदर के टेक्स्ट का और कलर का फर्क है। अच्छा ठीक है। कस्टमर की अपनी पसंद पे होता है कि आपको ब्लैक में दानेदार चाहिए, प्लेन चाहिए, या डिब्बियों वाला चाहिए, ब्लॉक्स वाला, ठीक है। उसमें कोबरा स्टाइल भी आ जाता है, क्रोकोडाइल जैसे डिजाइन का वो भी है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन है। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा तरीका कार हो रहा है कि हम टैंक के ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे पेंट हुआ हुआ होता है, कोई गम नहीं लगाते, ठीक है ठीक है। नीचे गम लगाते हैं मामूली सी वो भी। अच्छा। तो एक तो फिनिशिंग ज्यादा आएगी हमारी, पेपर से भी अच्छी फिनिशिंग, ठीक है ठीक है। आप पेपर को भी जब उतारते हैं ना 2-3 महीने बाद, वो उसका टैंके का पेंट और लैकर हाथ में आ जाता है। अच्छा, पेंट ना आए लेकिन लैकर जरूर उतर जाता है। अच्छा, जो ट्रांसपेरेंट लैकर डला होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इसमें जब हम गम नहीं यूज करेंगे, एक तो लेदराइड की थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। आप इस पे पानी वाली कैन भी रखें तो इसमें टैंकी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन पेपर की बहुत मामूली सी थिकनेस होती है, उस पर आप हेलमेट भी चार्जिंग रखते हैं वो फट जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। इसमें कुछ तरीका का हमारा इस तरह क्या, फिनिशिंग जो ना कस्टमर के लिए बड़ी मैटर, ठीक है ठीक है। 2-2.5 लाख का बाइक और उसमें फिनिशिंग हो ना फायदा नहीं है, सही है। इसमें फिनिशिंग भी आएगी, पायदारी भी होगी, इसकी 3-4 साल की लाइफ है, ठीक है। और जब आपने इसको खुद खींच के उतारना है तो इसने उतरना है, वरना इसने ढीला भी नहीं होना, ठीक है ठीक है। तो सर, इसके अलावा आपकी शॉप में क्या क्या चीज है बाइक्स के मतलब? मेरे पास ज्यादातर मॉडिफिकेशन का काम है। अच्छा। बाइक मॉडिफिकेशन का, कैफरेसर वगैरह का, GS का, 71-5। अच्छा। सारी बाइक मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ठीक है। बेसिक हमारा काम सीट्स का। अच्छा, सीट्स का, पोशिक का। हाँ, तो आपके पास कौन कौन सी ये किस्में हैं इसकी लेदर की? ये जो लेदर है मेरे पास फिलहाल 2 शेड्स हैं जी जी। ये जरा मैट फिनिश में है जी जी, ठीक है। थोड़ा सा मोटा स्टफ है जी जी जी। ये ब्लैक में शाइन में है जी जी, ठीक है ठीक है। जो कस्टमर शाइन लाइक करता है, जो मैट फिनिश में पसंद करता है, ठीक है। अच्छा, इसकी कपड़े की खासियत ये है कि इसका नीचे वाला हिस्सा फोम टाइप है, जैसे फोम होता है जी जी जी। एक तो ये वाटर प्रूफ है, इधर से पानी अंदर नहीं आएगा, ऊपर इसके नायलॉन्स का, ठीक है। और नीचे से ये आपको टैंकी को खराश नहीं पड़ने देगा, सही है सही। सॉफ्ट सा ये सॉफ्ट रखेगा, चाहे ऊपर पानी का गैलन आप रखें, ठीक है ठीक है। ये नीचे से खराश नहीं आने देगा, ठीक है ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आप जो कस्टमर के लिए ये बता देना, तो ये इसकी प्राइस क्या है, ये जो टैंकी और ये टापे? आप ये जो कपड़ा हम यूज कर रहे हैं ना, उस हिसाब से मकबूल प्रॉफिट और काम भी अच्छा, ठीक है। 2500 रुपए इसकी प्राइस हम ले रहे हैं लेदर रैपिंग की, सही है। और 200 रुपए मैकेनिक का, टैंकी टापे खोलने जोड़ने का, प्रॉपर मैकेनिक भी अपना है हमारा। अच्छा अच्छा, सही है। ये पहले टैंकी की सफाई कर रही है, ठीक है नाजी। ये गम लगा रहे हैं इसके बैक साइड पे, बस इधर ही गम है, सही है। और तो वो जिनको ये लगता है कि पता नहीं टैंकी को क्या हो जाएगा लेदर लगाने से, क्या नहीं होगा, उनके लिए ये है कि गम सिर्फ इधर लगेगी। अच्छा अच्छा, कम और कहीं नहीं लगेगी, सही है। ऊपर से आपकी ये टैंकी आजाद रहेगी, अंदर से हवा भी गुजरती रहेगी, पानी इसमें जाएगा नहीं, सही है। ठीक है, तो ये टैंकी आपको एज इट इज मिलेगी इंशाल्लाह जब भी उतारेंगे, ठीक है ठीक है। बस सीट यहाँ नहीं, भाई को डील करा आगे जरा। हाँ जी, ये जी बिल्कुल ऊपर उन्होंने इसको चढ़ा दिया, साथ साथ ये अब जरा एडजस्ट कर रहे हैं इसकी, सही पिंचिंग वगैरह कर रहे हैं।
इसके कोने जो है ना जी 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 थोड़े से हम हल्के से अरबी के साथ इधर बंद कर देते हैं। ठीक है ठीक है, अंदर वाली साइड पे दोनों तरफ से ठीक हो गया। अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे स्ट्रिप्स, चारों तरफ स्ट्रिप्स लगेगी गोला ताकि ये इसकी जो है ना लाइफ ज्यादा हो जाए। एक सिल्वर साइड है लेकिन इसका कलर जो है ना खराब हो जाता है। अच्छा। ब्लैक साइड लगाएंगे, बाय अच्छा। करेंगे ब्लैक, एक तो ये डिसेंट लगेगी, ओवर नहीं होगी ये। जो ये गोला लगा रहे हैं इसके ऊपर, एक तो इसकी लाइफ भी से बेहतर हो जाएगी और खूबसूरती भी आपको अच्छी लगेगी। जहाँ ढकना लगता है इसकी कटाई कर देते 2500 में पड़ेगा। तो ये कपड़ा इस तरह का ना ये चिरेगा जी जी जी, ना पेट्रोल से खराब होगा। ठीक है, इसकी मेरे पास 2-3 साल से एक भी कंप्लेन नहीं है। तो इस जगह पे आप कुछ लगाएंगे? कुछ भी नहीं लगाएंगे, ये जब आपका ढक्कन इस पे लगेगा ना, ठीक है, ये ढक्कन के अगर अंदर रबड़ का रिंग होता है वो एयर टाइट हो जाएगा। ठीक है ठीक है, ना तो इसमें पेट्रोल जाएगा ना पानी जाएगा, कन्फर्म। ठीक है, पेपर जो है हीट के साथ और गर्मी के साथ खुद ही उखड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये उखड़ा कहीं से निकला मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, 100% बिल्कुल। ये आन टैंकी फिट कर, ये रैपिंग इसकी तैयार हो चुकी है। ये देखें एक लुक इसकी, मतलब बहुत प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी। और ये सान साहब जिन्होंने ये काम किया है। ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उम्मीद है कि ये मेरा कहीं भी ये काम देखेंगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किया होगा पिंडी में। सही है, और इसी फिनिशिंग में होगा। ठीक है ठीक है, जो फिनिशिंग आपको दी है, जो क्वालिटी आपको दी है, वही सबके लिए है। ठीक है, हमारा काम का फर्क नहीं होगा। ठीक है, तो मैं चलो ये अच्छा हुआ ना कि बिल्कुल आपका ये नंबर बीच में आएगा, लोगों का पता चलेगा। तो जिन लोगों ने नहीं आपका पता, आपको इस काम करवाना चाहते हैं तो आपके पास जरूर तशरीफ लाएंगे जनाब। चले ठीक है जी व्यूअर्स, ओके सर, तो एहसान साहब भी साहब से इजाज़त चाहता हूँ, तो आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।